बिना फिल्टर के तो बहुत खराब है। अभी हूँ मैं लॉनी के फेमस रोज गार्डन के बाहर, जो कि अभी बिल्कुल ही बैरन है। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और नॉनी में मेरी पहली सुबह है। 3 दिन तक हम यहाँ रुकने वाले हैं। वैसे अभी ये चाय का टाइम हो रहा है, बट आई प्रिफर हॉट वाटर इन द मॉर्निंग। फिलहाल हम लोग 6 लड़कियाँ एक डॉम शेयर कर रही हैं, मतलब डॉम तो क्या कैसे ऐसे लग रहा है हॉस्पिटल वार्ड टाइप का सीन है, बट ऑल गुड ऑल फन फॉर फ्यू डेज। बाकी अभी जब मैं उठी हूँ तो सूरज पूरा चढ़ चुका है और बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुई, एकदम सनी एंड ब्राइट। तो अभी पानी ख़त्म करने के बाद मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी। तो ये है नॉनी का फार्मर्स गेस्ट हाउस। नॉनी के साथ मेरा बहुत ही ऐसे लव एंड हेट टाइप का रिलेशनशिप है, मतलब कुछ यादें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं और कुछ ऐसी जो आई वॉन्ट टू फॉरगेट देम फॉर एवर। बट जो भी है, वट एवर आई एम टूडे, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ओनली। सो हैप्पी येट अ लिटिल इमोशनल राइट नाउ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए, आज डे 1। सो आई विल शो यू जो भी होगा, आई होप आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड। सो स्टे ये आरती है, ये बहुत भूखी है, ये बहुत भूखा इंसान है। देखिए इसके मुंह की तरफ, ये देखो बहुत भूखा इंसान है, जितना भी खाए मोटा नहीं होता है। और जिसने फोन पकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, जलकुकर है, वो मुझसे जल रही है, मैं खा रही हूं। नो कैमरा प्लीज। यहां पे हमारी सेलिब्रिटी बैठे हैं, क्यों नहीं कैमरा। तो अभी हुआ है लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक में मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज लंच अनु के साथ करूँगी। तो मैं जा रही हूँ कैंपस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, पर मैं अभी ना बहुत डरी भी हुई हूँ क्योंकि मुझे बंदरों से बहुत डर लग रहा है। पहले ऐसे था कि आदत हो गई थी कि आपके आसपास बंदर घूम रहे, तो यू आर लाइक क्वाइट इग्नोरेंट कि कोई बात नहीं घूम ही रहे, पर अपना मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मुझे कोई टकरे तो आई लाइक टू वियर्ड, और फिर वो और ज़्यादा डराते हैं। तो लेट्स होप कि ना ही मिले। वाह, कैंपस तो काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। टीवी ने कितनी सारी मेमोरीज ऐसे रिफ्रेश हो रही हैं यार। सिर्फ सेफ शेयर करना ही वो पार्टी अलग-अलग डिवाइड हो जाता है।
गाइस फॉर माय हॉट वाटर इन द मॉर्निंग. बिना फिल्टर के तो बहुत खराब आती है शक्ल. बट आई एम थिंकिंग ऑफ रिकॉर्डिंग लाइक दिस एनी वे. फिल्टर के साथ तो मैं बहुत गोरी लगती हूँ और फिर आप लोगों को धोखा हो जाएगा. तो वही सुबह का गर्म पानी. कल का दिन अच्छा था, बिजी था और इमोशनल था. अब दिखेंगे आपको मेरे स्किन इशूज. देखो ये लाइक चिक तो मेरा ऐसे पूरा खराब. यहाँ पे एक्सीडेंट का दाग और यहाँ पे पिंपलों के धब्बे इधर तक और इस वाले चीक पे भी. बट आई थिंक माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर वर राइट कि ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज आई डेंट यूज टू यूज एनीथिंग ऑन टू माई फेस. तो अभी से मैंने सनस्क्रीन रेगुलर कर दिया. तो आई एम होपफुल फॉर रिजल्ट कि एटलीस्ट नए ना हो, पुराने दाग जब जाने हो जाए बट नए ना आए. तो आई एम सॉरी आई कुंट रिकॉर्ड. आज दिन में थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. तो अभी इस पॉइंट के बाद से मैं शुरू करूँगी. आज का दिन मेरा ख़त्म हो गया है, सारे सेशंस कंप्लीट हो गए, सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए. तो अभी हूँ मैं लॉनी के फेमस रोज गार्डन के बाहर जो कि अभी बिल्कुल ही बैरन है बट होपफुली सून ये ब्लूम करेगा. तो इसके बाद जो कुछ भी होगा आई ट्राई टू रिकॉर्ड एंड आई विल शो यू. दर्शनीय स्थल यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट. यहाँ पे लगाया है इन्होंने 5-लेयर सिस्टम, मतलब कि 5 तरह की फसलें एक ही ज़मीन के टुकड़े से. तो सबसे पहले है बीच में फ्रूट प्लांट्स, एक लेयर फ्रूट प्लांट्स की है. फिर उसके बाद वेजिटेबल्स जिसमें बैंगन है. फिर उसके बाद बीच में वापसा की नाली है और 125 सेंटीमीटर का बेड है जिस पर लगी है कैप्सिकम और मटर. अभी बीज लगा है, अभी इसमें तो नहीं दिखेगी आपको. फिर जब ये निकल जाएगा तो इसके बाद इसके ऊपर मल्चिंग भी होगी. तो सर अभी वही बता रहे हैं. प्लम है ना, कुमानी अमरूद और अनार, 5 टाइप के इसमें फ्रूट प्लांट ही है इसमें. और इनकी रोड टू रोड डिस्टेंस जो बोल रहा था मैं वो क्या है, 7 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं ज़ीरो एनर्जी कूल सिस्टम जिसे बनाया जाता है एक्स्ट्रा जो हमारी फसलें निकलती हैं उनको स्टोर करने के लिए. कि जैसे बहुत सारा टमाटर निकल गया है या बहुत सारे फ्रूट्स निकल गए हैं तो उनको इस तरह का चैम्बर बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं. ये बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी है और इसमें लागत भी कुछ खास नहीं है. इसमें क्या करते हैं कि 2 लेयर लगाते हैं ईंटों की और उसके बीच में रेत भर देते हैं और उस रेत में फिर पानी डालते रहते हैं और ऊपर से इसे ढक देते हैं जैसे घास फूस से, जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा भी. और इससे जो है बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है. तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा फल और सब्जियाँ बचती है हमारे पास उसको फार्मर बनाकर स्टोर कर सकता है. सींच देना है पूरा, इसमें पानी है ना डाल देना है इसे. अब जो अपनी सब्जियां मान लो आपके पास क्रेट है ना, क्रेट में भर के यहाँ आप रख दो. ठीक है, तो मान लो आपका टेम्परेचर वहाँ 30 डिग्री जाता है या 25 डिग्री जाता है तो ये आपको आ जाएगा 15 से 20 डिग्री डाउन हो गया है ना जी. अब इस पे आपका जब टेम्परेचर डाउन है तो सब्जियों की जो फिजियोलॉजिकल लॉस है ना वो कम हो जाएगा, सरण उसकी कम हो जाएगी, उसका लाइफ जो है बढ़ जाएगा. तो गलत आ गया किसी के पास नहीं बिक रहा है तो वो अपना रख ले, 2-3 दिन रख ले है ना, 4 दिन रख ले और फिर उसके बाद वो निकाल दे बेचने के लिए. तो ये अपने वो अपने घर के पास कहीं भी बना सकता है.
होना चाहिए ये सब कच्चा हमारा जी। वो टीन वगैरह नहीं चलेगा, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो उसको अब जैसे ये बनाया, इसके ऊपर एक एक और छत इस पे लगा दो ऐसे, है ना, लकड़ी का बना लो, उसी में घास फूस से कर दो, ढक दो और बस इसमें चला जी। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन मुझे मौका मिला रेडियो पे कुछ बाइट्स देने के लिए, जिसके थ्रू मैंने चाहा कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं प्राकृतिक खेती करने के लिए, स्पेशली हमारी लेडीज़ को मोटिवेट कर पाऊं प्राकृतिक खेती करने के लिए। तो ये रही उसकी कुछ झलक। खाद को इस्तेमाल करेंगे और जब वो उत्पाद उगाएंगे और जब उसे शहर में बेचेंगे तो उनकी जेब का पैसा शहर में ना जाने के बजाय शहर का पैसा उनके घर आएगा। और इस मुहिम के अंतर्गत में महिला किसानों को ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे हम सबके घरों में सिर्फ एक महिला ही ऐसी होती है जो हमारे संस्कारों को या हमारे कल्चर को आगे बढ़ाती है। तो अगर हर घर से हर महिला इस मुहिम के साथ जुड़े तभी ये हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचेगी। और जैसा कि हम सभी कोविड में देखा, कितना भी बड़ा अवसर हो सबको आकर खेती करनी ही पड़ी। तो अगर महिलाएँ इसे अपनाएंगी और अपने बच्चों को सिखाएंगी तो ये मुहिम सिर्फ आज की नहीं रहेगी, ये कल तक भी पहुँचेगी। यू नो आई फील दैट द बेस्ट मोमेंट्स इन लाइफ आर दोज कि जिनको रिकॉर्ड तक करने की आती रहती है, मतलब यू गेट लॉस्ट इन द मोमेंट कि आपका मन नहीं करता कैमरा खोलने का। तो नॉनी में मेरे साथ यही हुआ, मेरा नॉनी का ट्रिप काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरा रिफ्रेशर कोर्स था एंड मैं काफ़ी रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला, पुराने दोस्तों से मिलने को मिला, पुराना वो इमोशन फील करने को मिला। एंड आई एम सॉरी आई कुडंट रिकॉर्ड मच, बट जो भी है आई ट्राई टू प्रेजेंट इट फॉर यू ऑल। आई होप आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग आउट आदि भारद्वाज एंड अभी बाय बाय नहीं, कुछ दो चार पिक्चर्स है वो देख लो, उसके बाद बाय बाय।